आज हम लोग गया जा रहे हैं भांजे की सगाई में, और हम लोग रोड जा रहे हैं, तो चलिए साथ चलते हैं और कई अच्छे नज़ारे आपको दिखाता हूँ। आज हमारे साथ ड्राइविंग सीट पे कमल भैया हैं, पीछे धमन और फूफा जी हैं हमारे। ये है दशरथ मानी द्वारा बनाया गया ये रोड पार्क, आप तो देखा था। चलिए गाड़ी नहीं जाता, चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। दशरथ मांझी का ये गेट, ये वही पहाड़ है जिसको दशरथ मांझी ने काटा था। Continue on Dashrath Manji Road for 1 kilometer. हम लोग उस रोड साथ में इसी से घुसते हैं। जिया जी बोला करा दस मंदिर के। हाँ रोड से आ जाइएगा, इसी रोड को काटा गया है पहाड़ को, पूरा देखिए पहाड़ को काट के रोड बनाया गया है उधर। कितना भव्य लग रहा है देखने में। हे गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुमन कुमार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर जमक के करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलाते हैं अभी, मेरा तो भाई है धमन, हाय करें। आइए हमारे साले साहब हुए राहुल जी, हाय कीजिए। अभी और भी लोगों से हम आपको परिचय कराएंगे अपने। आज मैं कुछ खास जगह पर आया हूँ, सबका दावत चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इधर सुबह है, इधर पियूष है, इधर राहुल है, इधर कमल भैया और हमारे इधर सुमन है, सब लोग अभी पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, खा के मिलते हैं आपसे। चलो आगे, तुमको आगे जाना है। ठीक है पीयूष, ये प्रिंस पीयूष, दोनों भाई आगे चलो। अब रुक जाइए रुक जाइए, तुम भाभी हो गए, उसको उठा लीजिए यहाँ से भैया। आ जाओ बेटा इधर उधर चला गया था। लड़का उधर बैठ चुका है आप देखिए, और सब लोग अभी कलेक्शन हो रहे जमा हो रहे हॉल में। अभी आपको दिखाते हैं लाइव, प्रिंस सही हो ना, बढ़िया ना, सब कुछ अभी हो रहा है, अभी सब कुछ ओके चल रहा है। अभी अभी फंक्शन अभी होगा, लड़के का होने वाला है यहाँ पे, इधर सब कुछ चल रहा है। इधर धमन राहुल ये है हमारे जीजा जी, ऐसा लग रहा है भैया बहन का सगाई हो रहा है, बहुत वेरी ग्रेट फीलिंग। कैसा और सब बताइए, यहाँ पे आना कैसा रहा? बहुत बढ़िया जर्नी है। ये होटल कैसा है हमारा? बहुत फर्स्ट क्लास। और आप भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं हमें। थैंक यू। और कमल भैया कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। क्या हो रहा है आजकल? कुछ नहीं, बस भगना के सगाई में आए हुए हैं, सब भाई मिल के चलो है ना, संपन्न कर देना है। तो अच्छा है ना यहाँ का, थोड़ा कुछ हो गया बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास है ना। और अब
सही में आप लोग काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं और आपसे काफ़ी यहाँ पे और कमल के कहना भैया भी है जो हमारे सबसे बड़े भैया हैं घर में कहना भैया हमारे हैं जिनके स्वयं से ये शादी तय हुआ है ये हमारे फूफा जी हैं इन्हीं के वजह से ये शादी को संपर्क किया है अभी तय हुआ है तो आज सगाई है तो कैसा रहा फूफा जी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छा रहा ना और यहाँ का व्यवस्था वगैरह सब कुछ ओके रहा है ना तो आप कैसा रहेगा आप आगे का क्या प्रोसेस कुछ ऐसा ऐसे तो मतलब कि जो भी है भगवान की कृपा से बहुत अच्छे रहेगा जोड़ी भी काफ़ी शानदार है जोड़ी भी शानदार है बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा रहने वाला लाइफ आगे हाँ आगे की लाइफ बहुत अच्छा है चलिए अभी वहाँ से प्रिंस देख रहा है काफ़ी बात करता हूँ वीडियो लेता हूँ उसका भी काफ़ी इन्जॉयमेंट है इधर हमारा धमन ठीक है ना धमन सब कुछ अच्छा ना बहुत अच्छा लग रहा है मन लग रहा है यहाँ पे काफ़ी है ना चलिए फिर मिलते हैं आपसे ठीक है भाई से बात करने वाले हैं ये आपका नाम चंद्र प्रकाश हाँ कैसा लगा लड़का आपको बहुत अच्छा हमारा भाग हम लोगों का भागना है वो पर्सनली और जिस वजह से हम लोग आए हुए यहाँ पे तो कैसा आपको लग रहा है और जहाँ तक मेरा रहा कि जोड़ी काफ़ी मज़ेदार है देखने में बहुत एकदम सुंदर आस पास लग रहे हैं लोगों के तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को बस बहुत लड़का बहुत अच्छा लगा हमारे भांजे की सगाई बहुत अच्छे से हुई अब हम लोग वापस जा रहे हैं काफ़ी लेट हो चुका है और वापस जाते वक्त हम लोगों के साथ विचित्र घटना हुई वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो को मैं इसी जगह पे एंड करता हूं तो आपका ढेर सारा प्यार इसी तरह बना रहे हमारे वीडियो में जय हिंद जय भारत थैंक्स फॉर वॉचिंग